वेलकम टू वेदी फाइल आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल सो सेल इज ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट क्या प्लांट्स के अंदर भी सेल्स हैं यस एनिमल्स में भी है हाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स मिलती है बिल्कुल आप सही करें तो क्या सेल्स हमें दिखाई दे सकती हैं सेल्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक हैं नॉर्मली सारी सारी सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती हैं कुछ सेल्स माइक्रोस्कॉपिक हो सकती हैं मीन साइज में इतनी बड़ी है कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी हम उनको नॉर्मल आई से देख सकते हैं तो प्लांट के अंदर क्या है प्लांट इज मैडअप ऑफ सेल्स एनिमल्स में क्या है एनिमल्स इज ऑल्सो मेडअप ऑफ सेल्स तो क्या हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं यस बट हमने तो सुना कि एग्जैक्टली exactly हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं तो क्या सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं सर्फो एग्जाम्पल अगर मैं बोल के जा रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल या फिर मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं लीवर डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है मैं बोल के जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स हैं ट्रैकिया है प्राइमरी ब्रोंकस है लंग्स हैं तो ये सब ऑर्गन्स हैं तो क्या ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होंगे बहुत सारे टिश्यूज़ हैं एक टिश्यू की अगर मैं यूनिट देखता हूँ दैट इज़ नोन एज सेल तो सेल्स इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी एक पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है उसकी फंक्शन यूनिट क्या है ब्रिक है? है उसकी फंक्शन यूनिट so, so, क्या है ब्रिक है उसकी स्ट्रक्चर यूनिट ब्रिक है दैट इज द कंप्लीट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स ओनली लाइक वाइज द कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली तो इज सेल इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी तो क्या यूनि सेलोर की भी कंप्लीट बॉडी वही बनाएगा यस यूनि सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है और वही सेल सारे

सो so, सेल क्या माइक्रोस्कोपिक होती हैं डेफिनेटली क्या विदाउट माइक्रोस्कोप क्या हम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किए थे माइक्रोस्कोप 1595 में इन्वेंट हुए थे बाय जेंसन जेंसन साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप द वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया इन 1665 रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का सेक्शन किया कॉर्क एक प्लांट टिश्यू है सेक्शंस करने के बाद में उस सेक्शंस को उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया एंड व्हाट ही ऑब्जर्व वाज़ एक सिक्स चैम्बर्ड शेप का एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने जो सिक्स चैम्बर्ड जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया उन्होंने उनका नाम रखा द सेल बिकॉज सेलुलर वर्ड इन लेटिन के अंदर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है तो सेल टर्म किसने कॉइन किया रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने क्या देखा सेल्स को देखा बाद में किसी ने बताया कि आपने एग्जैक्टली डेड सेल्स ऑब्जर्व किए बिकॉज कॉर्क सेल्स जो थी वो डेड हो चुकी थी अब लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व कौन कर सकता है एक ऐसा साइंटिस्ट जो बहुत ही फाइन हो बहुत परफेक्ट हो इन द लेंस जो लेंस को बहुत इजी वे में ग्राइंड कर सके माइक्रोस्कोप जिन्होंने बहुत बना लिए हो एंड दैट वाज एंटोनी वॉन ल्यू एन एंटोनी ने 500 डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप बनाए थे वो बहुत परफेक्ट थे इन ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेस वो बहुत परफेक्ट थे इन सेक्शनिंग उन्होंने लिविंग सेल्स देखा उनको पता था कि यस ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल एनिमल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उन्होंने अपने खुद के फिकस से जियाडिया आइसोलेट किया जो लेट्रोन पता लगा एक प्रोटोजोन से यूनिसेलर है उन्होंने ब्लड से आरबीसी ऑब्जर्व की उन्होंने बोला कि यस दे आर स्मॉल एनिमल्स नोन एज एनिमल कुली बहुत ही पिक्यूलियर डिस्कवरीज थी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं था बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा था मॉलिक्यूल्स डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए आरएनए प्रोटीन कोई भी किसी के भी बारे में जेनेटिक्स कुछ भी आइडिया नहीं था 1665 यहां पे यहाँ उस टाइम में शाहजहां था यूरोप के अंदर रॉबर्ट उन्होंने बोला कॉर के अंदर उनको सिक्स चैम्बर्ड वॉल दिखाई दे रही है दैट मीन्स ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ए हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नॉन ए सेल पूरा वर्ल्ड का जो फोकस है रॉबर्ट हुक की तरफ था एंटोनी वॉन ल्यूवेन जस्ट के बाद में आए उन्होंने बोला हमने देखा है लिविंग सेल्स क्या सेल में कुछ और है ऐसा हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था ही कोई स्टेनिंग टेक्निक थी हम सबको पता है न्यूक्लियस देखने के लिए वी रिक्वायर्ड स्टेनिंग कोई भी आइडिया नहीं था आज हमें पता है कि यस द प्रीफिक्स वी यूज फॉर सेल इज नॉन ए साइट और वी यूज अ टर्म सेल के लिए जिसका नाम है साइट से फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ सेल साइट प्लस ओ ओ इज ए कनेक्टिंग वर्ड लॉजी इज नॉन इज स्टडी सो साइट ओ लॉजी साइटोलॉजी The cell of liver, liver is known as hepate, so hepate cells is known as hepatocyte, hepatocyte. If the cell is red in color that is red means erythro, so known as erythrocyte or RBC. If the cell is white in color, we called it as leukocyte means WBC. द फ्लूड दैट इज प्रजेंट इन द सेल इज उन्होंने साइटोप्लाज्म प्लाज्म इज फ्लूड रॉबर्ट हुग ने कुछ भी नहीं बताया था बट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किए दैट इज सेल ही सेल इज ए बॉक्स लाइक कॉम लाइक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छते जैसी है बाद में ऑब्वियसली पता लगा कि उन्होंने डेड सेल्स ऑब्जर्व की है जैसा कि मैंने आपको बताया लाइव सेल को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवे को 1665 से 1833 तक कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं हुए बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन थी माइक्रोस्कोप परफेक्ट नहीं थे स्टेनिंग एग्जैक्टली exactly नहीं थी सेक्शनिंग बहुत पुअर थी ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं हो पाए इन 1833 रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने सेल्स को स्टेन दिया एंड ही ऑब्जर्व आफ्टर वॉशिंग द सेल्स ऑबजर ऑपिक एरिया इन द सेल उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर एरिया है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है वैसे वो स्पेरिकल थी बट सेक्शंस में आपको सर्कुलर दिखाई देंगी उन्होंने देखा कि वो सर्कुलर एरिया है जो लाइट को पास नहीं करने दे रहा मीन वाइल फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ सर्कुलर और स्पेरिकल एरियाज साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे थे इन फिजिक्स सबको पता था एटॉमिक थ्योरी उस टाइम में साइंटिस्ट प्रोपेगेट कर रहे थे एंड एंड दे सेड इज मेड ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स ये जो ओपेक एरिया है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा एंड ही सेड एरियोलर ओपेक एरिया इज नोन एज एरियोलर लेटर ही कॉइन द टर्म न्यूक्लियस बाद में और डिस्कवरीज हुई और पता लगा कि न्यूक्लियस बेसिकली कंट्रोल एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल एंड दैट इज द फीचर ऑफ ऑल सेल्स 1838 तक ये बात सबको पता लग चुकी थी कि न्यूक्लियस इज अ कॉमन फीचर बहुत ही वेल नोन रिनोल्ड प्लांट बायोलॉजिस्ट से शिल्डन उन्होंने बहुत सारी सेल्स को ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने एग्जैक्टली exactly ऑर्किड सेल्स को ऑब्जर्व किया था उसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियस देखा शिल्डन ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को ऑब्जर्व किया एंड सेड दैट न्यूक्लियस इज ए फीचर ऑफ ऑल द सेल्स एंड सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी मीन जो शिल्डन थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे शुान के शोहान एंड चिल्ड्रन दोनों आफ्टर डिनर कॉफी के ऊपर बैठे हुए थे बातें कर रहे थे बोले कि एनिमल्स में नहीं है क्या ऐसा कुछ प्लांट में तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट देखा रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट के ऊपर स्टडी किया शिल्डन बोन के जा रहे मैं बहुत सारी प्लांट सेल्स को मैंने ऑब्जर्व किया है सबके अंदर हमें कॉमन फीचर्स मिल रहा है कि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है शोहन ने बोला एनिमल्स में हमारे पास में एंटनी वॉन ल्यूबेन हॉक बता के गए थे कि यस बॉडीज अप ऑफ सेल्स उन्होंने कुछ प्रोड्रोजोन देखा था श्वान के दिमाग में क्लिक किया कि क्यों नहीं वो एनिमल सेल्स को बहुत क्लिनली ऑब्जर्व करें एंड यस yes, उन्होंने एनिमल सेल्स को बहुत क्लिनली ऑब्जर्व किया एंड ही आल्सो आइडेंटिफाई की यस न्यूक्लियस है ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक वो एरा था जिसमें वो बता सकते थे अबाउट द सेल थ्योरी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे एंड वो पॉइंट्स हम आज की डेट में जानते हैं सेल थ्योरी के नाम से इन 1838 थर्टी एट शिल्डन ए जर्मन बॉटनिस्ट से जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया जर्मन से जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को ऑब्जर्व किया एंड बोथ प्रोपेगेट ए न्यू थ्योरी थ्योरी दैट इज नोन एज सेल थ्योरी सो शिल्डन जो एग्जैक्टली जर्मन बॉटनिस्ट थे शोवान जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक न्यू थ्योरी दी टू द वर्ल्ड दैट इज उन्होंने सेल थ्योरी सेल थ्योरीज और सेल डॉक्ट्रिन इज रिकार्डेड एज द सेम एज द एटमिक थ्योरी इन द फिजिक्स क्योंकि उन्होंने एक नए टॉपिक के लिए रास्ता बना दिया जिस तरीके से एटम्स के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया गया था एटम डिस्कवरी के ऊपर रदरफोर्ड एंड थॉमसन ने उसी तरीके से सेल्स के बारे में बहुत इजी वे के अंदर हमें बताया शिल्डन एंड ने, ने वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी दैट मींस इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल बट आई कहां से ये सेल हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व या फिर एक ऑर्गेनिजम में सेल्स आते कहाँ से एक कैसे एक ऑर्गेनिजम आता है इसके बारे में शिल्डर एंड शवान को कोई नॉलेज नहीं था उन्होंने ये जरूर बता दिया कि यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल और सेल वॉल इज ए स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट सेल्स ओनली। बट उनको ये सेंस नहीं था उनको ये नहीं बता पाए they did not able to explain how new cells were formed, how new cells were originated. ये बहुत ही पिक्यूलर पॉइंट था 1838, 1848, 10 years, 1855. Everybody was struggling, but नहीं जानते थे कि सेल्स आई कैसे आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट उन्होंने सेल्स डिवीजन देखा उन्होंने देखा कि यस सेल्स एग्जैक्टली डिवाइड कर रही हैं, उन्होंने देखा कि कुछ सेल्स के अंदर डिवीजन की पावर है जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तब उनके दिमाग में यह सेंस गया कि क्या सेल्स दूसरे सेल से बनी है इसका मतलब अगर आप एक न्यू सेल्स फॉर्म करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब पहले से कोई सेल्स हो मींस न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ऑमनी सेलुला ई सेलुला सेल्स पुरानी सेल से ही बनेंगी रुडोल्फ फिटचो ने पूरी की पूरी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया एंड एक नई शेप दी है सेल थ्योरी को उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया है सेल थ्योरी के अंदर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग तो आज की डेट में मॉडिफाइड सेल थ्योरी को अपन कैसे बोल के जाएंगे दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आई होप यू गॉट द सेल थ्योरी एंड वॉट इज सेल